नमस्कार भैया। राम राम भैया। ये पेपर लीजिए। और का हाल चाल बा? और सब बढ़िया भैया। बढ़िया। और रामलाल चचा ठीक है ना? सनम हो सनम, तुम तो मेरे सनम हो। मास्टर साहब नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार, आइए बैठिए। हाँ मास्टर साहब, बड़ी थकान हो जा रही है। और सब ठीक ठाक है? सब तो ठीक है मास्टर साहब, आपके चेहरे की उदासी साफ साफ दिखाई दे रही है। मुझे पता है इस उदासी का कारण। आपकी बीवी जो है 4 साल पहले गुजर चुकी है और आपका एक बच्चा है, यही ना है आपकी उदासी का कारण? हाँ हाँ बाबू राम जी, यही उदासी का कारण है। तो ठीक है, मैं एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, बुरा काहे मानेंगे, बताइए। मेरी भी एक बहन है जिसके पति 4 साल पहले गुजर चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी आपसे करवा दूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सोच विचार कर बताइएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक ठीक। नमस्कार खबरी लाल, नमस्कार। नमस्कार मास्टर साहब। नमस्कार नमस्कार, आइए। क्या बात मास्टर साहब, आज सुबह सुबह खबरी लाल आया था आपके यहाँ? आ जाता है कभी कभी, लेकिन आज कुछ गड़बड़ लग रहा है था। ज्यादा कुछ नहीं, बस शादी को लेकर। शादी को लेकर? मैं कुछ समझा नहीं। समझने की बात यह है कि वो अपने बहन के साथ शादी करने को कह रहा था। ठीक तो है, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। इसमें समझने क्या बात है, चुप मार के शादी कर लीजिए। ये मत भूलिए आप, आपके पास एक छोटा बच्चा भी है, उसका ध्यान कौन रखेगा? कभी सोचे हैं? आप सही कह रहे हैं, शादी हमें कर लेना चाहिए। ठीक है, मैं कल पंडित जी को लेके आता हूँ, आप भी खबरीलाल को बुला लीजिएगा कल। ठीक है मास्टर, हम चल रहे हैं। ठीक है ठीक। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलो, इतने गंदे लोग यहाँ रहते हैं। क्या हुआ पंडित जी, क्यों बहुत नाराज हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा सब छोड़िए, कल मास्टर साहब के यहाँ चलना है, शादी के बाद कुछ करनी है। शादी को लेकर? मास्टर साहब की, उनकी शादी तो हो चुकी थी 1 साल पहले, उनकी पत्नी नहीं मर गई थी? अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक ठीक कह रहे। कल उनके घर चलना है, शादी की बात करनी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। चलो कल वही मिलते हैं। ठीक कल ठीक मिलते हैं। चलो कल मिलते हैं। देखिए पंडित जी, शादी ब्याह बढ़िया सेट कर दीजिएगा। ठीक है बेटा ठीक। हाँ पंडित जी आने वाले थे, आए नहीं। चलो आते होंगे, कोई बात नहीं, बैठता हूँ। हे प्रभु जी हो। ये देखिए पंडित जी, जजमान बैठ के इंतजार कर रहे हैं। अरे आइए आइए पंडित जी, आइए। नमस्कार। बैठे पंडित जी, बैठिए पंडित जी। और सब ठीक ठाक है? हाँ सब बढ़िया। अच्छा अच्छा अच्छा। पंडित जी काफी लेट हो गया, हमें विद्यालय भी जाना था। देखिए कितना बज गया। अरे लीजिए, खबरी लाल जी आ गए हैं। नमस्ते मास्टर साहब। अरे खबरी लाल तो छोड़ो, अब तो आपको साला कह के बुलाएंगे।
अरे साले की बात तो छोड़िए, पहले आप मुहूर्त तो निकलवाइए शादी की, फिर साला कहिए या खबरी लाल। पंडित जी देखिए इनका मुहूर्त निकालिए। अभी देख के बताता हूँ, मुहूर्त तो निकला हुआ है, सब कुछ तैयार है। देखिए पंडित जी थोड़ा अच्छा मुहूर्त निकालिएगा, कोई अटकाने की बात नहीं है, ठीक है ना? हाँ पंडित जी, अच्छा मुहूर्त निकलना चाहिए, देरी हो कोई बात नहीं। ये लो मुहूर्त का एक आप और एक आप। ये सब तो ठीक है लेकिन एक समस्या है। क्या? कैसा समस्या भैया जी? हाँ हाँ भैया जी, क्या समस्या है? जो भी हो उसे खुल के बताइए ना। समस्या इस बात की पंडित जी है, 14 तारीख को मास्टर साहब की शादी है, 14 तारीख हमारे साली की शादी है, वहाँ हमको बहुत जरूरी जाना है, इसलिए हम 14 तारीख को नहीं आ पाएंगे। क्या 14 तारीख? मैंने तो देखा ही नहीं। देखिए पंडित जी 14 तारीख को मुझे बहुत जरूरी काम से लखनऊ जाना है, मैं नहीं आ पाऊंगा। वो मेरी बहन है लेकिन साथ साथ आपकी बेटी भी तो लगती है, इसलिए मैं सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर सौंपता हूँ और मुझे विश्वास है कि ये जिम्मेदारी आप बखूबी निभाएंगे। चिंता की कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो ठीक है पंडित जी मैं निकलता हूँ। अशर जी मैं भी चल रहा हूँ, बहुत लेट हो रहा है, ठीक है? पंडित जी हम भी अकेले हैं, हमारी शादी करवा दीजिएगा। ठीक है, गांव के अंदर मंदिर है, तुम वहां पे आ जाना अकेले, मैं करवा दूंगा। ठीक बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। खुशी की बात ही है बहना। क्या बात है भैया? मैंने तुम्हारा रिश्ता वो गांव के जो मास्टर है ना उनसे तय किया है, तुम खुश तो हो ना? हाँ भैया, आप जो सोचेंगे वो मेरे लिए अच्छा ही ना सोचेंगे। मैं भी यही सोच रहा था कि कब तक तुम ऐसे रहोगी। मेरे लिए तो भाई खुशी की बात है ये, अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो और भी अच्छा होगा। नहीं भैया, जो आपको सही लगे। सब तो ठीक है लेकिन एक बात है। क्या भैया? मैं तुम्हारी शादी के दिन नहीं रहूंगा। नहीं भैया, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? मुझे कुछ जरूरी काम से लखनऊ जाना है भैया। आप और नहीं रहेंगे? मैंने पंडित जी को सारी बातें बता दिया है और पंडित जी को भी तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी दे दिया है, वो सब कुछ अच्छे से करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है मैं निकलता हूँ। जी भैया आप, मुझे अभी पेपर बांटने जाना है। ठीक है। जाइए, आप लोग आज से पति पत्नी हो गए, जाइए अपने संबंधों से आशीर्वाद ले लीजिए, खुश रहो। अब चलिए, पूजा पाठ हो गया ना सब बढ़िया से, अब जल्दी चलिए, थोड़ा घर वापस स्कूल जाना है, बच्चों को तैयार करना है ना। चलो 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 चलो। अरे विक्रम,
स्कूल जाना है, लेट हो रहा है ना, मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे से तैयार कर दूंगी। आराम से आराम। मेरा थोपड़ा का देख रहे हो, जाके खुद ही तैयार हो जाओ, ठीक है? कि नौकरी लगवा दो तो बैठे तुमको। आराम से आराम से। बहुत अच्छा, स्कूल जाएगा मेरा बच्चा, अच्छे से पढ़ाई करेगा, ठीक है? मेरा बच्चा, चलो चलो खिला देते हैं, ठीक है? चलो मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई करेगा मेरा बच्चा। लो तुमको नहीं जाना है, चल चल गो, चल चल आराम से जाना, बाय। ए जी, ए भगवान हमको सोने दे, बहुत दिमाग खराब। पहले उठ के बैठिए, उठ के बैठिए। क्या है, क्या है सावित्री? आप मेरे छोटे लड़के विक्रम के लिए कपड़ा पड़ा लेंगे कि नहीं? हमको मायके जाना है। अरे भगवान, ले लेंगे ना, हमको पहले सोने तो दे। अच्छा ले लेंगे, विक्रम के लिए ही लेना है। ले लेंगे, ले लेंगे कहते हैं लेकिन लेते नहीं है, देखते कब। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे भगवान, बहुत दिमाग खराब कर रहे। विक्रम, अजय जाओ खेत में सारा घास निकाल दो, जाओ तो। और हाँ, सारा घास निकाल के ही आना शाम को। कहाँ? सेट नहीं, खेत में जाओ, सेट चाहिए, हीरो बन के जाएंगे। ओए विक्रम, अरे यूं उसके पीछे पीछे लगा रहता है, सोचे हैं कि वो चला जाएगा तो इसको थोड़ा कुछ अच्छा अच्छा खिला देंगे। भगवान। अरे भगवान, हाँ जरा दौरी लेकर के आओ, मैं खेत जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा खेत। हाँ ए जी, क्या दौरी नहीं दिख रही है? हम एक चीज बताना भूल गए आपको, रमेश के बाबूजी बुलाए हैं, जाइए जरा मिल लीजिए। तो कब बुलाए? अरे कहे थे एक दो घंटा हो गया, हम भूल गए, जाइए। रमेश के बाबूजी बुलाए हैं, चलिए वहां से मैं दौरी भी लेकर के आता हूं। Come
भाई क्या हुआ था बाबू? तुम्हारे भाई को क्या हुआ? मेरे बेटे को क्या हो गया? विक्रम छोड़िए, हॉस्पिटल लेके चलिए, लेके चलिए, लेके चलिए, लेके चलो। मालिक दौड़ते हुए क्यों आ रहे हैं? आने दो सेठ जी। अरे मास्टर क्या हुआ? मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब सेठ जी। क्या हुआ? बैठो बैठो बैठो, मुझे मुझे 4 लाख रुपए की जरूरत है। ठीक ठीक बैठो तो पहले बैठो। क्या हुआ? बैठो बैठो बैठो। सेठ जी मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, उसके दिल में सुराख हो गया है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 4 लाख रुपया मांगा है। सेठ जी मेरी मदद करिए। सेठ जी सेठ जी मेरे जीजा जी सही कह रहे हैं, मेरे भांजे की हालत बहुत सीरियस है, प्लीज आप कुछ करिए, प्लीज उसके इलाज के लिए 4 लाख रुपए दे दीजिए सेठ जी। तुम गरीब लोग ऐसे होता ही हो, भगवान के मंदिर में कब जाते हो? जब अटकती है उसके पहले नहीं, सही है सही है, कभी इसके पहले आए हमारे दरवाजे पर? जब सही हो तब तो नहीं कभी आए, जब अटकी तब चले आए कि सेठ जी पैसा चाहिए पैसा चाहिए, और वो भी 4 लाख। इसके पहले कभी आए तुम लोग बताओ? कभी याद आई सेठ की? ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथों से नहीं बजती है। मास्टर याद रख लो, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। इसके पहले तुम कभी आए नहीं दरवाजे पर, हम मिलते गए नमस्कार ही मारते गए तुम, लेकिन कभी आए नहीं। लेकिन आज आज पड़ी है तो भाग कर तुम लोग आ गए। प्लीज सेठ जी कुछ हेल्प कर दीजिए। सेठ जी अब तो सिर्फ आप ही का सहारा, कृपया करके हमें 4 लाख रुपए दे दीजिए, नहीं तो ना जाने क्या होगा हमारे भांजे के साथ। ठीक है बैठो, ठीक है दरवाजे पर आ गए हो तो तुम्हें मैं अपने वसूलों के तहत 4 लाख रुपया देता हूं, लेकिन एक हमारी शर्त है। ठीक है सेठ जी, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूं, लेकिन मेरे भांजे को प्लीज बता दें। लेकिन मुझे समय से पैसा नहीं मिला तो तुम्हारा खेत और घर ले लूंगा। बोलो मास्टर एक बार सोच लो, यह तुम्हारे बच्चे की बात है और वह जीवन और मरण के बीच में जूझ रहा है, इसमें फैसला तुम्हें करना है कि क्या सही है क्या गलत है, पैसा लेना है कि नहीं लेना है। मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस यही लग रहा है मैं किसी तरह अपने बच्चे का जान बचा लूं। जा पैसा ला कर दे दे। ठीक है मास्टर को। ठीक है मास्टर। कभी कभी गधा को बाप कहना पड़ता है, ये मालूम है ना? तो वही चीज है, अपनी मजबूरी अपना संस्कार कभी नहीं भूलना चाहिए। अम्मा जी सबकी सिंचाई हो गई, हमारी अभी तक सिंचाई नहीं हुई, क्या करें? और सब ठीक है ना? अजय ये क्या हो रहा है? खेत जाओ और सारे खेत का मेड़ी बांध डालो, ठीक है? क्योंकि कल सिंचाई होगी। जाओ हटो। बच्चन के चाहे परेशान करेगा। अरे अम्मा जी आपको नहीं पता है इसके बारे में। विक्रम अरे भगवान क्या बताए, अम्मा जी दिमाग खराब हो गया हमारा। We'll be right back.
विक्रम, खेत का सारा मेड़ बहनना है, माँ बोली है ना कल सिंचाई करना है, ठीक है, कहीं जाना मत। ठीक भैया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे मालूम है कि हम दोनों को ही काम करना है, और माँ भी बोली है। ए विक्रम भाई, क्या कर रहा है अबे? अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, चल यार कहीं पे घुमा उमा जाए, क्यों धूप में मर रहे हो? नहीं भाई, भैया के साथ काम कर रहा हूँ अभी, बस यही दोस्ती हम लोगों के बीच की है। अबे चल यार, कल कर लेना ना, चलो। नहीं भाई, तुम लोग जाओ तो दोस्ती टूट जाएगी, समझ लेना। कहीं नहीं जाएगा, माँ दोनों को बोली है खेत का सारा मेड़ बांधना है, कल सिंचाई करना है, लेकिन तुम कहीं नहीं जाना, ठीक है? ठीक भैया, नहीं जाओगे? बहुत बोलेगी, ठीक है, समझ लेना फिर। रुक रुक भाई, चल रहा हूँ। चल बे, क्या देख रहा है? विक्रम, माँ बोले खेत का सारा काम करना है, अगर मेड़ नहीं बांधेंगे ना तो माँ बहुत बोलेगी, कल सिंचाई करना है। मत जा मेरे भाई, मान जा, तू नहीं मानेगा माँ बहुत डांटेगी, मत जा। चलो भैया, मुझे काम नहीं करना है, मैं जा रहा हूँ खेलने। अरे मैं अकेला सारा काम नहीं कर पाऊंगा, माँ बोली है ना सारा काम करना है, कल सिंचाई करना है, माँ मुझको बहुत डांटेगी। मैं क्या करूं? अबे चल यार, ये मैं जा रहा हूँ। अरे मास्टर, पैसा दिया नहीं, इतना दिन हो गया, जाओ उसके घर और कल पैसा लेकर आओ, ठीक है? सावित्री, बच्चे काफी बड़े हो गए हैं। मास्टर साहब नमस्कार। अरे नमस्कार, बैठ नहीं नहीं ठीक है ठीक है। अरे वो सेठ जी का भूल तो नहीं गए? अरे नहीं नहीं, भूले नहीं भैया, कुछ दिन का और मोहलत दे दी। अरे एग्रीमेंट के हिसाब से आपकी डेट पूरा हो गई है? हो तो गई, लेकिन कुछ दिन के लिए और मोहलत, कुछ दिन के लिए और मोहलत दे दीजिए, हम बहुत परेशान हैं। अरे सेठ जी हमें कह रहे हैं कि जाओ उनसे मांग के लाओ। साहूकार जी, एक बार और मौका दे दीजिए, हम व्यवस्था करके अपने बच्चों से कह के व्यवस्था करवा के जरूर हम पाई पाई चुका देंगे आपका। हम तो जा रहे हैं, लेकिन सेठ जी जब भी आएंगे आपका खेत और घर लेके ही जाएंगे। चलिए चलता हूँ। मालिक, क्या हुआ? वो मास्टर घर में गया था। हाँ फिर उन्होंने कुछ और दिन का समय मांगा है। और का दिन? जी। हे जी। हाँ सावित्री, बोलो क्या बात है? सुनिए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, चलिए मंदिर चला जाए। चलो चला जाए, बच्चों को भी साथ में ले लेते हैं। बेटा आ जाए, विक्रम मेरे पास आओ। अजय को भी साथ में ले लेते हैं। मैं मंदिर जा रहा हूं, आज मैं वही कपड़ा पहनूंगा जो 1 रुपया जुटा के मैं खरीदा हूं, मुझको बहुत अच्छा लगता है। सुनिए, आप विक्रम को लेके अंदर चलिए, मैं अजय के साथ आती हूँ। ठीक है भाग्यवान, मैं लेके चलूँ। जाओ बेटा। अरे अरे, कहाँ पर जाओ, इस जगह तुम्हारी क्या जरूरत? अरे अब भागा, इस पवित्र जगह पे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से ना ये मंदिर भी अपवित्र हो जाएगा। मैं पूजा करके आती हूँ और तुम मंदिर की सीढ़ियों पे बैठो, ठीक है? बैठो। अथवा कितनी बढ़िया जिंदगी है इसकी। न जाने उस ऊपर वाले को मुझसे क्या नाराजगी है, अगर एक पल के लिए मैं हंस देता हूं तो कई दिनों तक मुझे रोता छोड़ देता है। अरे सावित्री,
अजय कहाँ रह गया? अजय वो बता ना, आ रहा था तो उसके दो दोस्त मिल गए हैं, तो लगा है बातें करने, तो बोला है कि मम्मी आप चलिए, मैं थोड़ा दोस्तों के साथ होके आता हूँ। चलिए चलिए कोई बात नहीं, हम लोग दर्शन कर लेते हैं। मास्टर पैसा नहीं देगा इस तरह, मैं चल रहा हूं उसके घर, या तो पैसा या तो जमीन उसकी ले कर आऊंगा। मास्टर कहाँ है? मास्टर कहाँ है? मास्टर मास्टर नहीं है। कहिए सेठ जी कैसे आना हुआ यहाँ पे? जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अरे पैसा के लिए आया हूँ, पैसे के लिए। एग्रीमेंट के हिसाब से समय पूरा हो गया है, मेरा पैसा मुझे दे दो। सेठ जी थोड़ा सा और मोहलत दे दीजिए सेठ जी। अब मोहलत नहीं मिलेगी, जो जुबान दिए थे मास्टर उसी पर काम करो, और घर और खेत मुझे गिरवी दे दो। नहीं 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 सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी मेरे घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है सेठ जी, और मैं कैसे आपको क्या दूं सेठ जी? सेठ जी तुम्हारा खेत और तुम्हारा घर मैं ले रहा हूँ। नहीं 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 सेठ जी, खेत ही तो हमारा एक सहारा है जिससे हम दो वक्त की रोटी जुटा पाते हैं, और घर ही एक सहारा है जिसमें हम रह पाते हैं सेठ जी। सेठ जी कोई और उपाय निकाल लीजिए सेठ जी, घर और खेत के बारे में नहीं है। ठीक है, उपाय यही है कि तुम किसी बेटे को हमारे यहाँ नौकरी करने के लिए भेज दो। जी जी सेठ जी, मैं अपने बेटे से बात करती हूँ। जी सेठ जी। अजय। हाँ माँ। अजय बेटा क्या कर रहे हैं? कपड़ा धुल रहा हूँ। अरे बेटा ये सब छोड़िए, ये सब हम धुल लेंगे ठीक है? तुम्हारा ये सब काम नहीं है। हाँ हम धुल लेंगे ठीक है? आप तो बहुत अच्छे मेरे बेटे हैं, है ना? हाँ। बेटा एक तो काम था बेटा। बोली अम्मा बताइए मैं करूँगा ना। क्या बेटा काम? जब तुम्हारा भाई छोटा था ना, तुम्हें तो पता ही था कि वो बीमार था। हा? तो साहूकार से बेटा 4 लाख रुपए जो लिया गया था हा? अभी तक दिया नहीं गया, और साहूकार कल रात में आया था हमारे घर और पैसे तुरंत ही मांग रहा था। और बेटा तुम तो जान ही रहे हो कि घर में कोई फूटी कौड़ी नहीं है, तो बेटा हम उसे बहुत मिनती किए, तो वो कह रहा था ना कि किसी को हमारे यहाँ नौकरी करने के लिए भेज दो। हाँ। तो बेटा चले जाओ। हाँ बेटा। हाँ मम्मा ठीक, मैं चला जाऊंगा। हाँ ठीक मेरा अच्छा ठीक, बेटा ठीक है मम्मा चला। हाँ, 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 दोनों प्रॉब्लम सथमन, साहूकार का पैसा भी और यहू का झंझट। पिताजी मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? साहूकार के घर जा रहा हूँ। क्यों? कल आया था शाम को साहूकार। हाँ अपना पैसा लेने के लिए। अच्छा। हाँ अब मैं कहा या तो हमारा पैसा दे दीजिए, और नहीं तो आपका घर द्वार सब ले लेंगे, खेत तो सब ले लेंगे। वो कह रहा था या तो पैसा दे दीजिए या तो किसी अपने बेटे को हमारे यहाँ नौकर के रूप में भेज दीजिए। अरे तो तुम्हें क्या जरूरत है जाने की, हम जाते हैं ना। अरे नहीं पिताजी मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं जा सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ पिताजी, ठीक है मैं जा रहा हूँ। अजय भैया विक्रम
जगह आ जाएगी हम लोगों से। छोड़ मुझे। बताओ इस पर। छोड़ो मुझे। अरे बहुत भारी है, छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो मुझे। बैठा इसको, बैठा। छोड़ो मुझे। साली, तूने मेरा बीज बाजार में थप्पड़ मार थी ना, मेरी इज्जत उतार थी ना, आज सिर्फ ओ हसर करूंगा कि तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। लूट लिया जाए कि छोड़ दिया जाए। क्या बॉडी थी इसकी यार, यार कितनी बड़ी तेरी बड़नी है। अच्छा छोड़ो, कितनी खूबसूरत है तू। छोड़ूंगा नहीं तेरी को रे, तू चिंता काहे कर रही है, हट तो। आप ठीक हैं? हाँ हम ठीक हैं। आपको चोट ज्यादा तो नहीं लगी? ठीक है ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए आप आइए। हेलो। हाँ बेटा कहाँ पर हो? अच्छा ठीक है आ रहा हूँ मैं। पिताजी आ रहे हैं। प्रिया बेटा। हाँ जी। क्यों रो रही हो? क्या हुआ? आखिर क्या बात है? पिताजी इनसे मिलिए, ये है अजय। पिताजी अगर आज अजय नहीं होते तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होते। ये क्या कह रही हो बेटी? मैं सही कह रही हूँ पिताजी, इसने हमारी इज्जत बचाई है। बेटा। हाँ अंकल जी। आज तुमने मेरे बेटी की इज्जत बचाकर मेरे मान सम्मान की रक्षा की है। कोई बात नहीं अंकल जी, एक इंसानियत के नाते ये तो मेरा फर्ज है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अजय। बहुत ही प्यारा नाम है, मेरी प्रिया की तरह। बेटा हाँ तुम इस शहर के नहीं लग रहे हो, तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं सर इस शहर में मेरा कोई घर नहीं है सर, मैं गांव का रहने वाला हूँ। मैं इस शहर में काम की तलाश में पहली बार आया हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपने ऑफिस में काम दूंगा तुम्हें। बेटी अजय बेटा को रूम दिखा दीजिए, मैं स्नान करने जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी, मैं दिखा दूंगी। अजय। हाँ प्रिया। क्या हुआ अजय, तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं प्रिया ऐसी कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ अजय तुम्हारा जख्म बहुत गहरा है ना, इसलिए तुम्हें नींद नहीं आ रही। गैरों के दी हुई जख्मों से ज्यादा अपनों के दी हुई जख्म में दर्द होता है प्रिया।
अपनों के जग? ये तुम क्या कहना चाहते हो अजय, मैं कुछ समझी नहीं। तुम समझोगे भी नहीं प्रिया, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें बड़े लाड से प्यार से पाला, कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी है। ये तुम क्या कह रहे हो अजय, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा वो सब छोड़ो, वो बताओ वो लड़के उस दिन याद है ना तुमको, वो छेड़ क्यों रहे थे तुम्हें? अच्छा हाँ, वो उस दिन, हाँ उस दिन वाले लड़के। मैं क्या बताऊं अजय तुम्हें, तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ ना, गांव में कौन कौन है तुम्हारा? गांव में मेरे सब अपने ही तो हैं, मम्मी है, पापा है, एक छोटा भाई है, मुझको बहुत प्यार करते हैं। मेरी माँ तो मुझ पर जान छिड़कती है प्रिया, वो मुझको बहुत मानती है, मुझको बहुत मानती है। पिताजी? अच्छा ठीक है अजय, चलो पिताजी बुला रहे हैं, आ जाओ जल्दी, चलो चलो चलो। अजय बेटा, ये मेरा ऑफिस है, चलो और स्टाफ रूम से मिलाता हूँ। अजय बेटा, ये हमारा स्टाफ रूम है, आओ मिलाता हूँ इन लोगों से। रामलाल इधर आओ। अजय बेटा ये देखो, ये रामलाल हैं, बहुत पुराने हैं यहाँ पर, और ये तुम्हारे को बढ़िया से समझा देंगे, और सब कुछ इसे समझ लेना। ठीक है जी, मैं इनको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा और सब बता दूंगा। ठीक, चलिए ठीक। नहीं ये तो सब हम बता ही देंगे, और बताओ कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे तो बहुत अच्छे इंसान लग रहे हैं। सर जिला अम्बेडकर के रहने वाला हूँ, छोटे से गांव के रहने वाला हूँ। अच्छा वैसे बड़ा खुश मिजाज नजर आ रहे हैं, चलो उठो, बाकी ये तो सब समझा देंगे। पुरुजे तो बहुत बड़ा मिला है। अच्छा? बड़ा मुश्किल से मिला है, इसको किसी तरह से भी करना है, हाथ जाना नहीं चाहिए। ठीक भी है, ठीक। अजय बेटा, अजय बेटा, ठीक है? ठीक भी है, ठीक, बिल्कुल बढ़िया से काम होना चाहिए, हाथ से जाना नहीं चाहिए, मेहनत करके हाथ से एकदम मिल जाना चाहिए। बहुत बढ़िया काम है, बहुत इसमें बहुत मुश्किल से किसी तरह से मिला है, ठीक है। अजय जी आ गए। हाँ, अभी देख लो बेटा, मैं जानता हूँ मेहनती हो तुम, बेटा कर दे जाओ काम को। ठीक है, ठीक है, अंकल जी, ठीक है। हाँ, ध्यान से देख लेना सब। हाँ ठीक है, उसको दे दीजिए ना अंकल जी, मैं समझ लूंगा। हाँ ठीक है, हाँ इसको बढ़िया से समझ लेना, और वो जो है कि काम होना चाहिए। हाँ ये सब सब है, हाँ हाथ से जाना नहीं चाहिए काम, बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ। परेशान मत होइए, मैं पूरी मेहनत कर दूंगा। ठीक है, वो मेहनत करके एक काम को करना है, इसको मिलके काम करना है अच्छी तरह से। कहा है भैया, परेशान कर रहे हैं आप इनको, इंसान नहीं है, इंसानियत नहीं है आपके अंदर, ये खाली भिखारी इनको समझते हैं आप। ये देखिए हमें आगे शिक्षा देने, हम लोग पढ़े लिखे हैं भैया। मैं आपको शिक्षा नहीं दे रहा हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं खाली एक श्लोक समझा रहा हूँ आपको। संस्कृत में एक श्लोक है, ज्ञानम नशीलम गुणे न धर्मे ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता,
मैं जानता हूँ आप लोग शिक्षित हैं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ आपके अंदर दया और धर्म की भावना होनी चाहिए मेरे दोस्त। क्योंकि जिस इंसान के अंदर दया और धर्म की भावना नहीं है वो इंसान इंसान नहीं है। क्योंकि एक इंसान को इंसानियत ही महान बनाता है मेरे दोस्त। क्योंकि आपकी डिग्रियाँ वहाँ काम नहीं आएंगी जहाँ इनकी दुआएँ काम आएंगी। सोचो मेरे दोस्त, सोचो। भैया मुझसे गलती हो गई, आपने जो हमें दया धर्म का पाठ पढ़ाया है वो कहीं नहीं मिलेगा। इतना शोर ना करें। हाँ मैम, थोड़ा बच्चे को सीधा करिए। हाँ लाइन सीधा करिए। ओके ओके, आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखिए। हाँ सही है, चलिए आप लोग प्रेयर के लिए रेडी हो जाइए। चलिए ठीक है। आप लोग बड़े प्यारे बेबी हो, बहुत ही प्यारे बच्चे हो आप लोग। Joins your hand, close your eyes and head down. Prayer start. He Sharde Ma, He Sharde Ma, Agyanta se hame tar de ma. अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू स्वर की देवी ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी ये संगीत की देवी ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा हर गीत तुझसे। मन से हमारे मिटा दो अंधेरा, हमको उजालो का संसार दे मां। मन से हमारे मिटाओ अंधेरा, हमको उजालो का संसार दे मां। हे सार दे मां, हे सार दे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको भी अधिकार दे मां। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे सार दे मां, हे सार दे मां, अज्ञानता से हमें तार। प्रिया बेटी, प्रिया बेटी, प्रिया बेटी,
प्रिया बेटी, प्रिया बेटी, प्रिया बेटी, दवा दवा मेरा तबियत नहीं ठीक है, लगता है बच्चों का है, लगता है बच्चों का सवाल करा रही प्रिया, हाँ ला रही, सारी परेशान हो गई, ठीक हो जाएंगे जल्दी परेशान। अब मैं क्या करूं, पिताजी की दवा भी तो खत्म हो गई, उन्हें बचाना भी जरूरी है, उनकी तबियत ठीक नहीं आ रही, मैं जाऊं। अब प्रिया दवा ना करा रही, बहुत खराब है, दवा खत्म हो गई, अरे लगता है जान नहीं बचेगा, लगता है जान नहीं बचेगा, ठीक प्रिया ठीक, बहुत बहुत खराब, तुम जो रास्ता देखो रास्ता तो टूटा जाओ उसे, अरे मैं जान रहा हूं, मैं दवा लेकर आऊंगा, अरे जल्दी आओ आपको, पिताजी पिताजी थोड़ा सा रुकिए, आ जाओ दवाई लेने, पिताजी क्या हो रहा है आपको बताइए, पिताजी क्या हो रहा है बताइए, तबीयत हो नहीं पिताजी, ऐसे ना कहिए, अच्छा गए दवा लेने आए, इतना कहिए आप ठीक हो जाओगे पिताजी, आप परेशान हो गया, आगे आते ही होगा अभी, आप आ जाइए पिताजी, अंकल जी, अंकल जी आप ठीक हैं, हां मैं तबीयत ठीक हूं, मैं रहा जी, हां बिल्कुल मैं ठीक हूं, पानी लगता है जान निकल जाएगी, नहीं पिताजी कुछ नहीं होगा, बस बस दवा खाइए, दवा खाइए प्रिया, दवा खिलाऊंगा मैं, बिल्कुल आप परेशान मत होइए अंकल जी, अब आपको कुछ नहीं होगा, सही आप आराम कर लीजिए, पिताजी अब ठीक हो जाओगे, हाँ कहीं परेशान ना होइए, कुछ आराम आराम हो जाएगा आपको, हाँ अभी कुछ आराम मिला, फायदा हुआ आज तुमने मेरी जान बचाई, अरे नहीं अंकल जी ये तो मेरा फर्ज है, अजय तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे पिताजी की जान बचाई, प्रिया ये तुम क्या कह रहे हो, ये भी मेरे अंकल है, मेरे पिता समान है, ये तो मेरा फर्ज है, अंकल जी आप परेशान मत होइए, अब ठीक हो जाएंगे, जब खाना लेकर आओ अंकल के लिए, ठीक है अंकल जी, तुम ध्यान रखना, मैं आप खाना खा लीजिए, आपको आराम हो जाएगा, आराम कीजिए आप, ठीक है, खाना ना रहने दो, नहीं दिल कर रहा, नहीं अंकल जी दो रोटी खा लीजिए, आपको आराम हो जाएगा, आप आराम कीजिए, हाँ आप परेशान मत होइए, बिल्कुल अंकल जी, हाँ मैं आप वापिस, हाँ ठीक है, तू पैसा ले लू, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी दे देना, हाँ ठीक है, हाँ ख्याल रखिए, हेलो, हाँ प्रिया रोशनी, हाँ मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्या बात है प्रिया, रोशनी बहुत खुश नजर आ रही हो, हाँ वो तो है, वो कहना था ना गांव से एक लड़का आया है जो बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर है, और पता है क्या उसने मेरी इज्जत भी बचाई है, अच्छा, और मैं तुमसे बता नहीं सकती रोशनी मैं उससे कितना प्यार करने लगी हूँ, सच में, हाँ रोशनी सच में, तो क्या कहना चाहती है रोशनी, आज मैं उसे किसी बहाने मार्केट में लेके जा रही हूँ, तुम आओ ना मैं उसे तुम्हें मिलवाऊंगी, ठीक है तुम आ रही हो ना, हाँ मैं आ रही हूँ, चलो ठीक है, ओके बाय, मार्केट में मिलते हैं फिर, ओके चलो, ऑफिस का इतना सारा काम है यार कैसे पूरा करूंगा मैं, अजय हाँ भैया मुझे मार्केट जाना है, तुम ले चलो मुझे मार्केट, कुछ लेना क्या तुम्हें, हाँ वो आज मुझे कुछ सामान लेना था, तुम अकेले चले जाओ मुझे ऑफिस का ढेर सारा, अरे नहीं अजय मैं अकेले नहीं रह जा सकती, तुम्हारा चलना भी जरूरी, चलो ना, अंकल जी मुझको बोलेंगे ऑफिस का ढेर सारा काम बाकी है प्रिया, तो उसकी फिक्र ना करो, पिताजी को मैं समझा लूंगी,
बस तुम चलो मेरे साथ। जरूरी है तभी मैं चलूंगा, बताओ। नहीं यार, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है, चलो। अब अंकल जी बोलेंगे तब? नहीं, मैं कह रही हूँ ना, मैं वो सब संभालूंगी, वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। ठीक है प्रिया, तुम रुको, मैं इसको रख के आता हूँ। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, चलो चलो अजय। शॉपिंग तो एक बहाना है, मेरी पूरी प्लानिंग तो आज अपने फ्रेंड से तुमको मिलवाना है। ठीक है प्रिया, मैं तुम्हारे कहने पे चल तो रहा हूँ शॉपिंग, लेकिन जल्दी शॉपिंग करके तुम लौट आना घर, ऑफिस का भी काम है सब कर लूंगा मैं। अच्छा ठीक है अजय, तुम कह रहे हो तो मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी, चलो। रमेश इधर आओ, पानी ले आओ, पानी ले। और हमें बढ़िया था, अब ठीक है जी, बाल बच्चे सभी तो ठीक है ना? चलो यार, यार किस बात की, तुम मेरे साथ हो? रास्ता क्यों चेक करो? मैं वो चेक करूं? वो तुम्हारा? अच्छा? ये भाई क्यों लेके ले क्यों रही है? बेटा, अरे मेरी शादी और किताब में बैठ जाऊंगी, शादी करने के लिए तू है ना? काली मुझको धक्का देती है, मुझको तेरा बड़ा हासिल करूंगा मेरी जान में। तुम्हारी आदतें कुत्तों जैसी हैं, जो कभी सुधरेंगे नहीं, क्योंकि लातों के भूत ना बातों से नहीं समझते। भागे भाई, बड़ी पकड़ मारेगा।
रोइए मत, वो सब चले गए हैं। भैया आप बहुत अच्छे समय पे आकर मेरी इज्जत बचाई, अगर आप नहीं आते तो पता नहीं क्या करते ये सब मेरे साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया आपने मुझे भैया कहा है? अगर आपने मुझे भैया कहा है तो एक भाई बहन के ऊपर कोई एहसान नहीं करता था, ये तो मेरा फर्ज है। तुम रो मत भैया। रोइए मत। मैंने तुम्हें जितना अच्छा इंसान समझा तुम उतना ही गिरे हुए इंसान हो। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, मैं जा रही हूँ यहाँ से, तुम रहो यहीं पे। प्रिया, प्रिया, प्रिया तो मेरी फ्रेंड है। वो तुम्हारी फ्रेंड है? हाँ, आज बुलाए थे किसी लड़के से मिलवाने के लिए। हो मैं तो उसी के घर ही तो रहता हूँ, उसके पिता का मुझसे बहुत बड़ा एहसान है। कहीं आप वही लड़का तो नहीं हो जिससे मिलने आए थे? हाँ मैं वही लड़का हूँ। आज मुझे लाई थी किसी लड़के से मिलवाने के लिए, लेकिन आप क्यों थप्पड़ मारी हो? पता नहीं मुझको क्या मालूम है क्यों मुझको क्यों थप्पड़ मारी है। भैया आप टेंशन मत लीजिए, हम प्रिया को बताएंगे, उसको हम समझाएंगे क्यों थप्पड़ मारी हो। राजू आओ चलो चलते घर। रुकिए बैठिए, मैं प्रिया से बात कर रही हूँ। प्रिया, प्रिया, रोशनी तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम जाओ यहाँ से। प्रिया देखना भी नहीं चाहती, नहीं तुम जाओ यहाँ से। प्रिया तुम ऐसी बातें क्यों बोल रही हो? मुझे मेरे हाल में छोड़ दो, तुम जाओ यहाँ से रोशनी। वो उसे खिलाया है रोशनी, इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा। प्रिया तुम जानती भी हो वहाँ पर क्या हुआ है? क्यों क्या हुआ वहाँ पे, तुम्हें बता दूँ क्या हुआ है? प्रिया अगर राज वहाँ पर नहीं होते ना, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होती। मुंह दिखाने लायक? मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या कह रही हो? प्रिया जो तुम मुझे बुलाई थी किसी से मिलवाने के लिए, मैं मार्केट में आई थी वहीं पर कुछ गुंडे लोग मुझे छेड़ रहे थे। तुम सच कह रहे हो रोशनी? हाँ प्रिया मैं सच कह रही हूँ, मुझे वही भैया ने बुझाया है। मैं नहीं मानती ये सब। हाँ दीदी, दीदी सही कह रही है, कुछ लोग मार्केट में गुंडे सब छेड़ रहे थे, मैंने देखा था। तुम सही कह रहे हो राजू। हाँ रोशनी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने उनको बीच बाजार में थप्पड़ मारा। मुझे ले चलो ना, मुझे उन्हें सॉरी बोलना है। प्रिया मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊँ, बाहर बैठे हैं भैया, हम उनको बाहर ही रोके हैं। क्या बात है बेटा, तुम उदास बैठे हो? नहीं अंकल जी कोई बात नहीं, क्या हुआ? ये फाइल लो, मुझे ऑफिस में जाना जल्दी। छोटे हाँ भैया। ड्राइवर गाड़ी निकाल, जल्दी आना ऑफिस में। चलो ठीक है रोशनी, मुझे उनसे माफी मांगना है। चलो चलो रोशनी। तो अजय, अजय मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अजय, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन एक बात है, तुमने मुझे
थप्पड़ मारा, उस थप्पड़ में मुझे नफरत नहीं नजर आया, बल्कि एक अपनेपन का एहसास हुआ। प्रिया, अपनापन अजय? इसका हाँ मैं क्या मतलब समझूं? कि तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ प्रिया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। प्रिया, अपने पल को मतलब समझती हो? वो भी आपसे प्यार करते हैं। तुम सच कह रही हो? हाँ प्रिया, मैं जा रही हूँ, बाद में मिलूंगी। ठीक है रोशनी, बाय बाय। हेलो। हाँ हाँ, हो जाएगा आपका काम, हो जाएगा काम कर। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। अजय बेटा, अजय बेटा, लो फिर बात कर लो। हेलो। हाँ बिल्कुल सर, हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। अजय बाबू, अजय बाबू, क्या मुझे छुट्टी चाहिए? क्यों छुट्टी चाहिए? मेरा लड़का घर से भाग गया है। आपका लड़का घर से भाग गया? हाँ, फोन आया था। आप बहुत परेशान? हाँ यार, परेशानी की बात है। मैं जा रहा हूँ। नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे चलिए, मैं छोड़ यार, बैठिए बड़ा। अरे मैं छोड़ दे रहा हूँ ना। नहीं नहीं, आप घबराइए, मैं छोड़ दे रहा हूँ। चलिए आप परेशान। पकड़ भाई, पकड़, भाग रहे भाई। बहुत दौड़ाई तू, बहुत दौड़ाई। तेरे को कहाँ लगा था तू बच जाएगी हमसे, बच जाएगी। अरे अरे, तू परेशान ना, तेरे को छूंगा नहीं, बस तेरे को फील करूंगा। साली, उस दिन तो तू बच गई थी, आज कौन बचाएगा? आज चुंगंडुआ बचाएगा, चुंगंडुआ बचाएगा। अरे मैं तो भूल ही गया यार, उसको तो पता ही नहीं ये कहाँ है। ए, इसका फोन दे, फोन तेरे पास है, फोन दे, इसका फोन दे, लगा इसे घर पर फोन। कहाँ बोल रही है? अब बोल, बोल कहाँ, बोल बोल ले, बोल बे, कहाँ बोल रही है? कपड़ा हटाए, तो कपड़ा हटाए, टच करने का मन तो नहीं कर रहा, पर टच करने दो ना। अरे हटाने दो। हाँ बोलो, बोलो, छोड़ो मुझे। अरे कैसे छोड़ोगे मुझे, जो चाहिए। अरे जाने दो, छोड़ो मुझे। ये चेतन छोड़ दे, लगा लगा इसके नंबर, बोल बोल अपने बाप का नंबर। मुझे नहीं पता है। बोलती हूँ, थूक दूँ तेरे को। मुझे नहीं पता है। बोलते हो, थूक दूँ तेरे को। मुझे नहीं पता है, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता है। बोलती हो कि थूक दूँ तेरे को। अगर वो आ जाएगा ना तो छोड़ेगा नहीं, जितनी शौक से बुला रहे हो ना उससे कम ज्यादा शौक से तुम्हें पीटेगा वो। छोड़ेगा नहीं, इस सारा चिंगड़ुआ हमको नहीं छोड़ेगा। देख नकली बंदूक का, नकली ठोक देंगे साले को, मानता हूँ नकली है लेकिन फोड़ देंगे सारा उसका। कैसे बच आएगा तेरे को? वो तूफान की तरह आएगा ना और तुम लोगों से पैसे उड़ा के चला जाएगा। किधर है मुझे? ए बकवास ना, बकवास तू लगा फोन इसके बाप क्या वो चल पास आउट बंद। मुझे नहीं याद है। नहीं याद है? बोलती है कि फोन दूँ, बोल बोल पास आउट। बताती हूँ, बताती हूँ, छोड़ो। बोल बोल, हाँ बोल 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 ले, टाइम नहीं मेरे पास। 1 5 1 5 6 2 6 2 नंबर बोल, नंबर बोल, बाप का नंबर बोल। 9 9 कल्ला 9 9 2 4 2 4 8 8 किसको कहते हैं अभी? 8 को, 8 को, थोड़ा हिंदी में बोल। 8
और मुझे नहीं पता है, छोड़ो मुझे। कौन सी नंबर हुआ? 1 2 3 4 और कौन बिरयान करे क्या बकर बोले था साली हराम खोर फल सेवन एट सेवन आठ जीरो वन जीरो एक टू टू अब छोड़ो मुझे। सुचाप क्यों बता रहा दे? रॉन्ग नंबर दिया होगा। तू देती है कि नहीं रे? ये किसको बताऊं तुझे यहाँ पर लेकर आऊं? कौन जाने करे पगली? कैसे मेरा सपना पूरा होगा? कैसे मैं अमीर बनूंगा? ते बाप का पैसा कैसे लूंगा? भाई भाई इसकी एक सहेली भी है। सहेली भी है रे? ए फोन किसका आ रहा है? ए रोज रोशनी कौन है? ये सहेली इसकी होगी। फोन मत उठाना। भाई फोन उठाना तो उठाऊंगा। हेलो रोशनी, अरे कहाँ हो जी? इस तेरा नाम क्या है? नंबर 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 मैं बता दी फिर फोन तेरे को बोल नंबर। प्रिया? ए प्रिया को जानती है उसको ना हम किडनैप कर लिए हैं। जल्दी से उसके बाप से बात करा, नहीं तो ठोक दूंगा उसको, ठोक दूंगा। तेरे को आधे घंटे का टाइम दे रहा हूँ, आधे घंटे का, आधे घंटे में इसके बाप से बात कराना। और एक बात, उस चिमगांडू से मत कराना, समझी? हाँ चल रख फोन, आधे घंटे बाद में फोन करूंगा। एक भी मिनट मिस हुआ ना ठोक दूंगा इसको, ठोक दूंगा। अजय बेटा, तुम्हारी वजह से सब हमारा काम अच्छा हो गया, सब बढ़िया से काम हो गया। ये अंकल जी, मुझसे जो हो सकता मैंने किया, उसमें तारीफ करने वाली कौन सी बात है? नहीं, सब काम बढ़िया से हो गया हमारा। अंकल जी प्रिया। क्या हो गया? क्या हुआ प्रिया? अंकल जी प्रिया, अंकल जी बताइए उसे क्या हो गया? क्या हुआ रखनी प्रिया? क्या वे धंधा आधा घंटा हो गया कॉल नहीं की, लगा लगा फोन लगा उसे। तुझको देखूं मैं जब मर जाऊं मन करता है दर्द। जुट गया। हेलो। हाँ हाँ बोलो क्या बात है? अबे मैं किडनैपर बोल रहा हूँ। हाँ तो बोलो क्या बात है ना? तेरे से कुछ बात नहीं है, तू बुढ़ो को फोन दे। ठीक है मैं दे रहा हूँ, अंकल जी बात कीजिए। हेलो। क्या बे बुढ़ो, फोन सही जगह लगा है ना? हाँ बोलो क्या चाहिए तुम्हारे को? चाहिए तो मुझे बहुत कुछ, फिलहाल तुम पैसा ही दे दो। ठीक है पैसा तुमको मिल जाएगा, तुम कुछ बिटिया करना नहीं, पैसा तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। कर रहे हो? हाँ, पैसा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। अरे पूछो कि नहीं, कितना पैसा चाहिए? किसा कितना पैसा चाहिए बताओ, कितना चाहिए? हाँ 4 लाख रुपया लेकर आओ। ठीक है तुम्हारे पास पहुंच जाएगा पैसा, उस साले को पैसा देना नहीं। हेलो 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 अंकल जी, ये तो फोन कट गया। अंकल जी देखिए फिर आ रहा है, बात कीजिए तो साले। हेलो हेलो, जरा बात ध्यान से सुनना। तुम देखो तुम ही लेकर आना पैसा, आप किसी पुलिस पुलिस वाले को मत बताना। और विशेष बात यह है कि उस चिमगांडू को भेजना मत पहली बात, नहीं तो हमारा कमवा चौपट कर देगा। ठीक समझे प्रभु? ठीक है ठीक। अगर भेज दिए तो समझ लो तुम्हारी बिटिया खिचिक खिचिक खलास। ठीक है पैसा मिल जाएगा तुम्हारे को। अबे पैसा लेकर आ रहा है साला, तेरा बाप अमीन लेकर आ रहे, तेरे से बहुत प्यार करता है। और जो चिमगांडू है ना, मुझे लगता है वो अभी साला तुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन उससे कह देना उसके बीच में मैं आ गया। कौन आ गया? मैं आ गया। हे हे तू उधर का बस बाय बाय। अरे ये नकली बंदूक तुम्हें बेच के क्या होगा यार? चलो कोई बात नहीं, अरे रहने दो, उसको हड़काने के लिए काम आएगा ना। उससे बात तो तेरा बाप आ रहा है, तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, तेरे को प्यार। उन सालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम लोग नजर रखना, साला अभी तक आया नहीं रे। तू सो मेरी जान, तुझे निकल साले, तू किस गुफा में है? अबे देख देख आगे, देख देख सब आप आगे, देख 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 भाई देख।
अबे भागो साला, वो आ गया। अबे साले भाग कहाँ रहा है? रुको सालो, भाग क्यों रहे हो? अब दम है तो रोक के दिखाओ। प्रिया, प्रिया तुम ठीक कहो? मैं ठीक हूँ अजय। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम्हारे रहते हुए मुझे कुछ हो सकता है। तुम ठीक कहो? मैं ठीक हूँ। मैं जानती थी अजय तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। I love you अजय, I love you। I love you too, Priya। अंकल जी आइए आइए आइए। अंकल जी। प्रिया बेटी तुम ठीक हो? हाँ पिताजी मैं ठीक हूँ। भला अजय के रहते मुझे कुछ हो सकता है? अजय बेटा तुम भी ठीक हो? हाँ अंकल जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अजय बेटा मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूँ, क्या दे दोगे? बिल्कुल अंकल जी, मुझसे क्या मांगना चाहते हैं? मैं सब कुछ आपको दे दूंगा, बोलिए। अजय बेटा। हाँ अंकल जी। मैं ज्यादा नहीं कुछ मांग रहा हूँ, अपना हाथ लीजिए। प्रिया बेटी तुम दोनों एक हो जाओ। हाँ भाई जी, क्या होगा? अरे क्या होगा, तुम प्रिया की सारी तैयारी करो। ठीक है भैया, चलो चला जाए। अजय बेटा तुम जा रहे हो ना? हाँ अंकल जी जा रहा हूँ। बिटिया का ख्याल रखना। हाँ ठीक है अंकल जी, मैं आपसे ज्यादा इसका ख्याल रखूंगा। ठीक है, ड्राइवर गाड़ी निकालो, छोड़ दो इन लोगों को। ठीक है अंकल जी, मैं जा रहा हूँ। ठीक है पापा, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, आप भी अपना ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, चलो प्रिया। अजय ये तुम्हारा घर आ गया? मेरा घर सामने। यहाँ ताला क्यों लगा हुआ है? लगता है मम्मी पापा खेत में गए हैं। अच्छा किसी से पूछता हूँ। प्रिया पापा देखो आंटी जी। अजय बेटा तुम कहाँ थे? आंटी जी बड़ी प्यारी बच्ची है। अच्छा ये सब छोड़िए, ये यहाँ पर ताला क्यों लगा हुआ है और सब गए कहाँ पर हैं? हमको नहीं मालूम है बेटा कहाँ लोग गए हैं। आपको नहीं मालूम कहाँ? नहीं, बहुत दिन से ताला लगा है। ये क्या कह रहे हैं आंटी जी आप, यहाँ काफी दिन से ताला लगा हुआ है? चलो प्लीज। क्या हुआ अजय, तुम इतने परेशान लग रहे हो? परेशानी की तो बात ही है प्रिया, मैं जिनसे मिलने आया था गांव में उन्हीं से नहीं मिला हूँ, तो परेशान नहीं होऊंगा? कोई बात नहीं अजय, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रखो? प्रिया तुमने बहुत ऊंची बात की है। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ गांव का एक मंदिर है मुझे कभी जाने नहीं दी, मुझे अभागा करके लौटा दी थी। आज मैं उस मंदिर में जाऊंगा और उस भगवान से बात करूंगा, मुझे विश्वास है वो मेरे मम्मी पापा को मुझसे जरूर मिला देंगे। प्रिया जरूर पिला देंगे। ड्राइवर ड्राइवर जी चलिए उस साइड में एक मंदिर है रोड पे, वहां चलिए गाड़ी घुमाइए। जी
हे ईश्वर, मैं कभी भी आपके इतने करीब नहीं आ पाया हूँ। आज पहली बार आपके इतने करीब आकर बहुत खुश हूँ भगवान, बहुत खुश हूँ। लेकिन आज मैं जितना खुश हूँ भगवान, उतना दुखी भी हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरे माता पिता नहीं हैं। वो कहाँ पर हैं, किस हाल में, मुझे कुछ पता नहीं भगवान, कुछ पता नहीं। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा भगवान, कभी कुछ नहीं मांगा। आज पहली बार मांगता हूँ भगवान, मुझे विश्वास है आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे भगवान, खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। मेरे माता पिता को मुझसे मिला दीजिए भगवान, मेरे माता पिता को मुझसे मिला। उठिए अजय जी, अजय जी उठिए। हमें उम्मीद है कि भगवान आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। कार तो बड़ी चमकती धमकती दिखाई दे रही है। लगता है इस मंदिर में कोई बड़ी पार्टी आई है। क्या रे? ठीक है, आने दे, अब न लूटपाट होगी। इस गांव में विक्रम भाई का कार रहेगा। कार रहेगा, कार रहेगा। आज मुझे माँ पर बहुत गर्व हो रहा है, उसने मुझे डांट के पाला है। अगर प्यार करके पालने पर बच्चे तुम्हारे जैसे होते हैं। मेरे माता पिता कहाँ है, बोलेगा नहीं तो? कहाँ पर है मेरे माता पिता, बताओ, बोल कहाँ पर है मेरे माता पिता, कहाँ पर है तू? बोल, ऐसे नहीं बोलेगा। चल बैठ। माँ रो मत, माँ रो मत, माँ रो मत। अजय मेरा बच्चा, मुझे माफ कर दे। माँ माफी नहीं मांग सकती बेटा। माँ मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं हीरे को नहीं पहचान सकी और कोई ना कोई अच्छे के लिए मुझे डांटा है। आज मैं देख कहाँ से कहाँ हो गया हूँ। आप लोग यहाँ साहूकार के घर कैसे आ गए? बोल ना माँ, रो क्यों रही है? साहूकार के घर से चला गया ना, किसान का एक दिन हम भरे थे। अरे सर जी, आप बैठिए। अजय, अजय, अरे सर जी, अजय बहुत दिन पहले भाग गया। क्या भाग गया? तुमने मुझसे क्यों बताया नहीं? सर जी आप बाहर थे, कैसे बता था आपको? मैं भी जाता हूँ उसके घर। ऐसे कैसे भाग गया? मेरा पैसा लिया है, ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मैं भी जा रहा हूँ। रुके सर जी, मैं भी आ रहा हूँ। अरे अरे सेठ जी, नमस्ते नमस्ते। आए आए बैठे। नहीं, मैं बैठूंगा नहीं। वो तुम्हारा बेटा भाग गया। क्यों?
दूसरे बेटे को भेजो काम करने के लिए। हाँ जो भाग गया। हाँ भाग गया जी। सेठ जी कुछ मोहलत दे दीजिए सेठ जी मुझे, मैं आपका पाई पाई चुका दूंगी सेठ जी। मोहलत नहीं मिलेगी, दूसरे बेटे को भेजो हमारे घर। जी मैं कोशिश करती हूँ सेठ जी, आप चलिए मैं भेजती हूँ सेठ जी। ठीक है, लेट नहीं होना चाहिए। जी सेठ जी। मत रो सावित्री, जो जैसा करता है भगवान उसके साथ वैसा करता है। मैं कहां से इतना बिगाड़ा था जो मुझे इतना झुकना पड़ गया है। अब मैं जाऊंगा सेठ जी के पास, मुझे काम करना। नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं आप रुकिए सेठ जी, क्या आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी जाऊंगी और मैं घर में नहीं रहूंगी। सेठ जी सब काम खत्म हो गया उधर का। काम सेठ जी सब काम काम खत्म हो गया जी। यहाँ का सब हो गया काम। हाँ हाँ सर। अंदर का हो गया। चलो अभी खेत में बहुत काम पड़ा है, जाओ खेत का काम तुम लोग देख लो। ठीक है जी सर। ठीक ठीक जाओ। आज से सेठ जी का हाथ हमारे सर पे हो गया है। इस गांव में इतना आतंक मचाओ, इतनी चोरियां करो, इतना डाका डालो कि ये मेरा घर जितना खाली है सब मलामाल हो जाए। सही कह रहे हो भाई। तुम्हें गांव में तहलका मचाना है, जाओ फिर निकलो। सही कह रहे हो भाई, चोरी करके ना इस घर को हम पूरा मलामाल कर देंगे। तुम उससे भी झूठ बोला, वो तो कह रहा था कि आप लोग यहाँ आए हैं स्वयं। नहीं बेटा, वो सब झूठ बोल रहा है सर। आपको यहाँ पर भेजा उसने। पिताजी आप नहीं जानते, जब मैं मंदिर में गया था पूजा करने ने, वो उसने मेरे साथ भी छीनने की कोशिश की है। क्या तुम्हारे साथ भी छीनने की कोशिश की? छीने थी कर रहा था। हाँ माँ, मेरे साथ भी कर रहा था और मुझसे झूठ बोल रहा था वो। बेटा वो पूरे गाँव के नाक में दम कर रखा है। बहुत बदतमीज हो गया, इतना नीच हो गया। बहुत गिर गया बेटा, बहुत गिर गया। विक्रम, विक्रम, मुझसे झूठ बोल रहा था।
मुझसे झूठ बोल रहा था। अपने आप गए हैं सब कि तुला कहीं इनको यहाँ पर भेजा है। माफी मांग मां से, मां से माफी मांग मांग माफी से। भैया मुझे माफ कर दे। मुझसे नहीं, मां से माफी मांग। मां मुझे माफ कर दे। नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मां। नहीं, मैं कभी माफ करूंगी। मां मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई नहीं, जो मैं आपको इस हालत में छोड़ गया। मां आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मां मेरी कोई गलती नहीं बेटा, ना तुम्हारी गलती तो मेरी है। अरे नहीं माँ, नहीं माँ, तुम दोनों में फर्क समझी बेटा। नहीं माँ, तेरा कोई दोष नहीं माँ, तुम मत रो माँ। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तू वही है ना, तू वही है जो इसके साथ चिनैती कर रहा था, हरामखोर कहीं का। अरे नहीं नहीं पिताजी, माफ कर दीजिए इसे। आपकी आपका भी तो बेटा है पिताजी, माफ कर दीजिए, आप माफ कर दीजिए पिताजी। चल बेटा, तू कहता है तो इसको मैं माफ कर देता हूँ। और माँ तू भी माफ कर दे माँ, तुझे मेरी कसम माँ, माफ कर दे माँ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन तू मेरे सर की कसम खा, तू आज की बात कभी गलत काम नहीं करेगा। मैं आपकी कसम खाता हूँ माँ, कभी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे आप लोगों का दिल दुखे। अरे मास्टर, बहुत हुआ प्रेम मोहब्बत, चलो काम पर लग जाओ। अरे आइए साहूकार जी, आइए आइए, आप ही का तो इंतजार था, आइए आप। साहूकार जी, आपने जो काम किया है ना वो बहुत ही सराहनीय है। इंसानियत तो आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, आपकी जितनी भी तारीफ की जाए ना कम है। दिल तो करता है ना आपकी पूजा करूं, लेकिन क्या करूं ना, भगवान नाराज हो जाएगा। अजय, ये तुम क्या कह रहे हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको ना मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि दौलत के नशे में चूर किसी भी इंसान को इंसानियत समझ में नहीं आती। अरे हमें इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे हो, पैसा लिए हो पैसा दे दो, बात खत्म। पैसा लिए हो ना तुम मुझसे? हाँ मैं जानता हूँ, मेरे पिताजी मम्मी जी पैसा लिए हैं, पैसे की वजह से आप उनपे अत्याचार करेंगे। अरे कौन सा अत्याचार, पैसा लिए है बाबू पैसा। एक समय थी तो मास्टर से पूछ लो, हमारे घर रोते आए थे, पैर पकड़ लिए गिर गए, और हमने मजबूरी में इनके साथ दिया और इनको पैसा दिया, पूछो अपने बाप से। मैं मानता हूँ सेठ जी, मेरे मम्मी पापा या मैं आपका पैसा लिया हूँ, लेकिन पैसे की वजह से आप इनसे इतना काम नहीं करवा सकते, अत्याचार नहीं कर सकते आप इन पर। और रहा सवाल पैसे की, तो जितना पैसा लिए है मेरे मम्मी पापा उससे मैं डबल आपको दे रहा हूँ। इस उम्र में आप मेरे साथ चलेंगे काम करने के लिए? चलेंगे नहीं, जाएंगे कभी नहीं जाएंगे। इस उम्र में किसी के बिल्कुल नहीं काम करेंगे, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसानियत भी सब कुछ होता है, एक इंसान को इंसानियत ही महान बनाता है। साहूकार जी आप सोचिए दिमाग से, पैसा ही सब कुछ नहीं है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप मेरे लिए तब भी बड़े थे, आज भी मेरे लिए आप बहुत बड़े हैं। आप बाप हुआ सेठ जी, यही मेरे लिए बहुत है। ठीक है बेटा, इंसानियत मुझे समझ में आ गई, और कोई बात नहीं बेटा, भूल चूक होती है, ये जीवन है। ठीक है साहूकार जी, सेठ जी अगर गुस्से में मैंने आपको कुछ अशब्द बोल दिया हो या मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे भी क्षमा कर दीजिएगा। अरे बेटा कोई बात नहीं है, आपका प्यार था तो शायद। कोई बात नहीं है बेटा, नया फोन था, नया फोन है। प्रिया प्रिया पैसे ला के दो सेठ जी को। अरे नहीं बेटा, वो तो बाद में हो जाएगा, क्यों परेशान हो। अरे नहीं सेठ जी, आपका पैसा हम आपको दे दें। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, मांगे बेटा। हाँ माँ, ये प्रिया कौन है बेटा? ओ अरे मैं तो भूल ही गया, आपको प्रिया से नहीं मिला है, आई से मिल जाता हूँ। प्रिया कौन बेटा बताओ? अरे मम्मी आप पहचानो ना, देखो कौन है ये
मेरी बहुरिया तो मेरी बहू पिताजी आप अरे ये मेरी बहू लग रही है मेरी बहू कितनी सुंदर ए जी मेरे पास तो कुछ है नहीं भी बहू को पहली बार देख रही हूँ ना मुझे डांटो की तो नहीं पिताजी मैं भी आप नहीं डांटेंगे नहीं नहीं कभी नहीं डांटूंगा बेटा कब खुश होगा अरे अब कम से कम ये तो बड़ा बदमाश है लेकिन चलो कोई बात नहीं है सुधर गया पूरा परिवार हो गया मुझे बहुत खुशी है आप सब लोग एक हो गए अरे मास्टर आप लोगों का प्यार देखकर भाई बहुत खुशी हो रही है आप लोग खुशी खुशी जाइए घर और कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए जाइए 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 मास्टर जाइए अरे अरे मतलब चौकी को कैसे आ जाते हेलो हेलो हाँ मैं किडनैपर बोला हूँ हाँ बोलिए अबे तू कैसे बात कर रहा है मैं किडनैपर बोला हूँ चल चल बुड्ढे का फोन दे तू रहने दे बोलने के लिए ठीक मैं दे रहा हूँ अंकल जी बात कीजिए हाँ हेलो क्या बे बुड्ढू हाँ क्या है अबे सही जगह फोन तो गया है ना मेरा क्या बात है बोल अबे तेरी बिटिया को मैं किडनैप कर लिया हूँ अरे तेरी मैं हालत खराब कर दूंगा जल्दी से छोड़ दे नहीं तो मैं साले तू आज इसको बचा लिया है फिर कभी नहीं बचा पाएगा चलो रे पागल साले अटेंशन प्लीज आप लोग शोर ना करें शांति में क्या क्या और कितनी बढ़िया जिंदगी है इसकी देखिए बस नहीं सोचे हैं ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भगवान विष्णु ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्यक्ष मंगलम पंडल पंडालवी कच्छ ओम मंगलम तनुहरि स्वाहा भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज मंगलम ध्वज मंगलम पुंडरी काक्ष मंगलम पुंडरी काक्ष मंगलाय तनुहरि मंगलाय तनुहरि वर मधु खड़े हो जाइए जाइए आप लोग आज से पति पत्नी हो गए जाइए अपने संबंधों से आशीर्वाद ले लीजिए खुश रहो बच्चन के काहे परेशान कर दिया बच्चन के काहे परेशान कर दिया बच्चन के परेशान कर मत भैया परेशान करो हम भिखारी हैं मैं परेशान करो कहा भैया परेशान कर रहे हैं आप इनको इंसान नहीं है ये खाली भिखारी इनको समझ रहे हैं ये देखिए हमें शिक्षा देने आ गए हैं हम लोग शिक्षित नहीं है ऐसे लग रहा है हम लोग पढ़े लिखे हैं भैया हमें नहीं कह रहे कि पढ़े लिखे नहीं है संस्कृत में एक श्लोक है जो शायद पढ़े होंगे ज्ञानम न शीलम अबे खड़ा हो जाइए भैया ये कहा भैया परेशान कर रहे हैं आप इनको ये खाली भिखारी समझ रहे हैं इनको इंसान नहीं है शिक्षित दे रहे हैं
हम लोग ऐसे लोग बहुत देखे गलत बेटा आपको बोल देने हाँ भैया आपने हमें शिक्षा का और शिक्षा का पाठ पढ़ाया और हमें अपनी गलतियों का एहसास है हमें शिक्षा के साथ साथ ठीक है पहुंच जाएगा पैसा तुम्हारे पास आप कहिएगा लेकिन उस साले को मत देना तुम्हें क्या है अबे सही जगह फोन तो गया है ना मेरा क्या बात है बोल अबे तेरी बिटिया को मैं किडनैप कर लिया हूँ अरे तेरी मैं हालत खराब कर दूंगा जल्दी से छोड़ दे नहीं तो हाँ दीदी ए दीदी सही कह रही है कुछ लोग हाँ दीदी ये दीदी सही कह रही है कुछ लोग मार्केट में गुंडे सब छेड़ रहे थे मैंने देखा था बस एकदम एकदम परफेक्ट है मैंने तुम्हें हे भगवान मैं कभी भी आपके इतने करीब नहीं आ पाया हूँ फिर से लीजिए